किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। पत्ता गोभी ले ली है, एक शिमला मिर्ची ले ली और एक गाजर ले ली है। पत्ता गोभी जो है हम एक कप काट लेंगे बारीक, और शिमला मिर्ची थोड़ी सी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें। और गाजर को भी हम घिस लेंगे या बारीक कस लेंगे, काट लेंगे, तो 1/4 कप करीब गाजर की आवश्यकता होगी। हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक तीनों बराबर मात्रा में ले लिए हैं, और इन सबको मिला कर के मैं एक बारीक पेस्ट बना लूँगी। एक पैन में हमने बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून करीब तेल गरम किया है। अब इसमें हम शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, और गाजर क्योंकि थोड़ी सी कड़क होती है तो बस बिल्कुल कम ही हमें इसको पकाना है, बिल्कुल गलाना नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी क्रंची नेस वाली होती है तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, बड़ों को। अब इसमें आंच जो है हमें तेजी रखनी है इसमें। अब इसमें हम अपनी 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, और क्रंची ही रखनी है हमें ये सारी सब्जियाँ। अब इसमें हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हरी मिर्ची भी जो है पक करके अपना टेस्ट दे दे, और लहसुन का भी कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए। और आँच हमें तेज ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको अच्छे से 1 मिनट तक पका लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियां 1 मिनट बाद भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। ये देखिए खड़ा खड़ा ही इसका टेक्सचर रहना चाहिए। अब इसमें हम अपना स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हम विनेगर भी डालेंगे इसमें। तो अब हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून करीब सोया सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून करीब विनेगर डालेंगे, विनेगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ज़्यादा देर हमको नहीं पकाना, ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर के तैयार होती है और बहुत हेल्दी है, क्योंकि सारी सब्जियां जो हैं इसमें बहुत हेल्दी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, बनाने का मेथड भी काफ़ी हेल्दी है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तो बस ये अब हमारी हो गई है, बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्टफिंग को। मोमोज के लिए हम चटनी भी बनाएंगे, जिंजर लिली गार्लिक सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म चढ़ा दिया, 3 टमाटर ले लिए हैं, और टमाटर के उल्टी तरफ इस तरीके से छिलके के अंदर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और टमाटरों को डाल देंगे। इस तरीके से टमाटर डालने से हमारे जो है छिलके काफ़ी जल्दी और अच्छी तरीके से अलग हो जाते हैं। तो अब इनको मैं होने देती हूँ। हमारे ये टमाटर का ये देखो छिलका जो है थोड़ा थोड़ा सा हटने लगा है, अब हमारे टमाटर हो गए हैं। अब इनको हम ठंडा करके छील लेते हैं। 1/2 कप मैदा ले लिया है, इसको मैं छान लेती हूँ। मैदे की रेसिपी बनाने से पहले हमेशा हमें मैदे को छान लेना चाहिए। तो ये मैदा हमारा छन गया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टीस्पून तेल डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और एक नॉर्मल डो बनाएंगे, हम बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ढीला आटा भी नहीं लगाएंगे। अगर हम ढीला लगा लेंगे तो मोमोज जब हमारे स्टीम होते हैं तो फिर वो ढीले हो जाते हैं, फटने का चांस रहता है। वो ज़्यादा टाइट होते हैं जब भी हमारे मोमोज, फटने का चांस रहता है। तो बस बिल्कुल नॉर्मल जो हम
पूरी का डो लगाते हैं उस तरीके के लगाएंगे। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा जो है ये मैदा लग चुका है, अब इसको थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, सेट हो जाएगा तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। एक पैन में हमने एक टीस्पून तेल गरम चढ़ा दिया है, इसमें हम आधी टीस्पून अदरक और लहसुन इन दोनों को मिला करके हमने कूट लिया था अच्छी तरीके से, तो हमने ये डाला है आधा टीस्पून करीब। तो इसमें अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम अब एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, इनको भी अच्छे से कर लेंगे, आंच हम कम ही रखेंगे। और एक टीस्पून करीब हम विनेगर डाल देंगे, कम आंच पे इसको भी पका लेंगे। नमक डाल देंगे आधा टीस्पून, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये मिश्रण काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब इसमें हमने टमाटर जो पीसे थे बॉईल करके जिनकी प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे और इसको हम चलाते हुए पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी हम पहले भी डाल सकते थे, और अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, थोड़ा पानी वो डाल देती हूँ। और ऑरेंज फूड कलर डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक मैं इसको पका लेती हूँ। हम इस छलनी में स्टीम करेंगे हमारे मोमोज को। आप जिसमें भी कर रहे हैं उस पात्र को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे ताकि हमारे जो हैं मोमोज चिपके नहीं। तो इस पर अच्छे से मैंने तेल लगा लिया। अब हमारा ये सॉस तैयार हो गया है, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं और इसको एक दो मिनट अच्छी तरीके से मथ लेती हूँ। आटा हमारा रेडी है और इस आधे कप आटे में हम 10 मोमोज बनाएंगे, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। तो हमने ये 10 टुकड़े तोड़ लिए। अब इनकी मैं इस तरीके से एक लोई लेकर के पूरी बेलती हूँ, तो बिल्कुल इसकी हम पतली पूरी बेल लेंगे छोटे साइज़ की, साइडों से पतली करेंगे। बीच में से हम अगर ज़्यादा पतली कर देंगे तो हमारी स्टफिंग जो है बाद में बाहर निकल के आ जाती है, और साइडों से अगर हम मोटी कर देते हैं तो जब हम इसकी चुन्नट भर के बड़ी पोटली बनाते हैं तो फिर वो मोटा मोटा सा मैदा हमें मुँह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको साइडों से बेल करके बड़ी करेंगे। ये हमने पतली पूरी बेल ली है। अब इसको आप जिस भी तरीके से भरना चाहें, मोदक वाले शेप में, जैसे इस तरीके से हमने सेंटर में हमने रख दिया अपना ये स्टफिंग का मिश्रण, और फिर इस तरीके से चुन्नट भरते हुए एक टोकरी सी बनाएंगे। इस तरीके से और फिर अब इनको उठा करके हम एक पोटली सी बना लेंगे। या तो इस शेप में आप बना सकते हैं या फिर अर्धचंद्राकार गुजिया वाली शेप भी आप बना सकते हैं। एक आप इस तरीके से भी भर सकते हैं कि पूरी जैसे हमने बेल ली और एक साइड में हमने मिश्रण लगा लिया और फिर एक तरफ से हम चुन्नट भरेंगे जैसे गुजिया की भरते हैं वैसे,
ये चुन्नट भर ली और फिर इस वाले हिस्से पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे और इसको इस भाग से चिपका देंगे। ये इस तरीके से आधी पूड़ी को हम ऐसे प्लेन रखेंगे और आधी में हम इस तरीके से चिपका करके चुन्नट भर देंगे। तो जो भी आपको साइज पसंद हो, जैसा शेप पसंद हो, बना लेंगे। इडली के कुकर पे मैंने ये नीचे पानी डाल करके ऊपर ये अपनी छन्नी रख दी है जिस पर मैंने तेल लगा रखा है, और मीडियम आंच पर मैं इन मोमोज को इस छन्नी पर रखूंगी और इसका जो ढक्कन है हमें पूरी तरह से बंद नहीं करना, हल्का सा तिरछा रखेंगे ताकि जो है पानी जो भाप बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, इस पर पानी नहीं गिरेगा। तो हल्का सा हम ढक्कन को खुला हुआ तिरछा रखेंगे ताकि जो भाप है बाहर निकल जाए। तो इसको हम मीडियम आंच पर 15 मिनट पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, दो तीन मैंने आगे पीछे रखे थे, तो ये जो हैं इधर वाले ये मैंने पहले रखे थे, 15 मिनट हो गए तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और इनकी पहचान ये कि जब ये हो जाते हैं तो ये एकदम से ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं। तो जो हो गए उनको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। हमारे गर्मा गर्म मोमोज बनकर के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे चमकदार हो रहे हैं, ये गर्म अच्छे लगते हैं और इसके साथ खाया जाने वाला जो है चटनी सॉस वो भी तैयार है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका भी। तो आप इस रेसिपी को एक बार बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।